हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर्णा सीक्रेट बॉक्स। आज इस वीडियो में हम वैनिला स्पॉन्ज केक बनाने जा रहे हैं। ये केक बनाना बहुत ही इजी है और ये केक बहुत ही टेस्टी लगता है और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो हमेशा हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। तो एनी टाइम बच्चे हमारे से जब जिद करें कि हमें केक खाना है तो हम उन्हें बनाकर खिला सकते हैं और बच्चे तो ये केक चुटकी में ख़त्म कर देते हैं। तो हम केक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर ले लिया है क्योंकि आज मैं प्रेशर कुकर में केक बनाने जा रही हूँ। तो इसमें मैंने नमक डाल दिया है। ये नमक मैंने बहुत बार यूज़ किया है, हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। इसकी मैंने एक लेयर रेडी कर दी है, इसे अच्छे से फैला दिया है और इसमें एक रिंग रख दी। आप चाहो तो स्टैंड भी रख सकते हो, कटोरी या प्लेट भी रख सकते हो। और मैंने गैस स्टार्ट कर दिया है, गैस लो फ्लेम पे शुरू रखना है और जब तक हमारा प्रेशर कुकर प्रीहीट होता है जब तक हम हमारा जो केक टिन है उसे रेडी कर लेते हैं। इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है। केक टिन के कॉर्नर से सब तरफ से इसे अच्छे से ग्रीस कर लेना है। और इसमें अब मैदा डाल देंगे, मैदे से इसे डस्टिंग कर लेंगे। इसे अच्छे से डस्ट कर लेना है और जो एक्स्ट्रा का मैदा है उसे निकाल देना है। हमारा केक टिन रेडी है। अब एक बाउल ले लिया है, इसमें मैंने एक कप दही डालना है। दही जो है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ होना चाहिए और मीठा होना चाहिए। अब एक कप शक्कर डाल दी है। दही और शक्कर को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही और शक्कर जब तक अच्छे से मिक्स नहीं हो तब तक हमें मिक्स करते रहना है। शक्कर जो है दही में अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें आधा कप रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं और 1 टीस्पून वैनिला एसेंस डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो हमारा जो वेट इंग्रेडिएंट्स है इसे हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं और हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसे रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने छलनी ले ली है और इसमें मैंने 2 कप मैदा छान लेना है। तो 2 कप मैदा मैंने छान लिया है और अब इसमें मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देती हूँ और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देती हूँ और इसे भी छान लेती हूँ। तो ये सब मेरे जो ड्राई इंग्रेडिएंट से ये छान के रेडी है। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब ये थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डालूंगी। पूरा एक साथ नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके ही इसे डालना है और मिक्स करते जाना है। मिक्स जो हम करेंगे वो कट एंड फोल्ड मेथड से ही करना है और इसमें लम्स भी नहीं रहने चाहिए। इस तरीके से हमें मिक्स अच्छे से करना है इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, इसमें कोई लम्स भी नहीं बचे हैं और ये बैटर भी बहुत स्मूथ हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून दूध ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और देखिए अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है हो गई है वो बहुत अच्छी हो गई, पोरिंग कंसिस्टेंसी हो गई है। अब हमारा बैटर रेडी है। तो ये हमने जो हमारा केक टिन रेडी करके रखा था उसमें अब हम हमारा ये बैटर डाल देंगे। फ्रेंड्स, आप ये केक जरूर ट्राई करना, ये केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बच्चे इसे बहुत शौक से खाते हैं। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी कितनी बराबर है और अब इस केक टिन को हम 3-4 बार टैप कर लेंगे ताकि इसमें जो भी एयर बबल्स हो वो निकल जाए और इसे अब हम बेक करने के लिए रख देंगे। इसे हमें 30 मिनट्स तक बेक करना है और एक बार हमें 25 मिनट्स के बाद इसे चेक कर लेना है।
और कुकर की हमें रिंग भी नहीं लगानी है और सीटी भी नहीं लगानी, ये बात का अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। 25 मिनट्स के बाद हम चेक कर लेंगे कि हमारा केक कितना बेक हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो केक है वो 30 मिनट्स में बेक हुआ है और मैंने 25 मिनट्स के बाद इसे चेक किया था और 5 मिनट फिर से रखा था। तो अब देखिए, ये चाकू डाल के मैं चेक कर लेती हूँ तो ये चाकू पूरा साफ निकल रहा है, इसका मतलब केक मेरा बेक हो चुका है। ये देखिए, मेरा केक पूरा अच्छे से ठंडा हो गया है। जब हमारा केक पूरा ठंडा हो जाए तभी हमें अनमोल्ड करना है। अब हम इसे अनमोल्ड कर लेते हैं। ये केक बहुत ही सॉफ्ट बना है, बहुत ही स्पॉन्जी बना है। आप ये केक जरूर ट्राई कीजिएगा, आप सभी को ये केक बहुत पसंद आएगा। ये डिश की हेल्प से हम हमारा जो केक टिन है उसमें से केक इजीली निकाल लेंगे। पहले हम इसे 3-4 बार अच्छे से टैप करेंगे तो ये इजीली निकल जाएगा। देखिए हमारा केक कितना इजीली निकल गया है और इसका कलर भी कितना प्यारा आया है और ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पॉन्जी बना है। और देखिए इसमें कितनी जाली भी पड़ी है। तो देखिए, मैं इसको आपको दबाकर भी बता देती हूँ कितना सॉफ्ट बना है, ये बहुत ही स्पॉन्जी बना है। अब इस केक को हम कट कर लेते हैं। बहुत इजीली ये केक कट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।